अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक साल के बच्चे का ब्लोमोर बनाने जा रहे हैं, जो कि डायपर में पहनने के काम आएगा और बहुत ही कम कपड़े में और बहुत ही आसान और खूबसूरत बनाएंगे हम। देखिए, हम इसके लिए लिया है आधा मीटर कपड़ा और इसकी लंबाई लिए हमने 15 इंच। 15 इंच इसलिए लिए कि 2 इंच इसके अंदर बेल्ट के लिए जाएंगे। तो हमारा पैंट बनेगा 13 इंच का, 13 या 12.5। और इसकी चौड़ाई है 10 इंच। देखिए, अब हम ये लोमोर को कैसे काटते हैं। पहले हम यहाँ से इसका बेल्ट निकाल लेंगे। इसको हम यहाँ से 2 इंच क्रॉस काटेंगे, जो कि अपने बच्चे की वो मियानी के लिए 2 या 2.5 इंच काटेंगे। ऐसे तिरछा काट लेंगे। तिरछा काटने के बाद इसको यहाँ से थोड़ा ऐसा क्रॉस शेप देंगे, जिससे कि अपनी पैंट बच्चे को अच्छी तरह से बैठे। यहाँ से क्रॉस ऐसा निशान लगा लिया है। अब हम इसको ऊपर एक निशान लगाएंगे, वो भी इसी तरह क्रॉस ले लेंगे। अब हम इसको यहाँ से एक क्रॉस निशान को कट कर देंगे और यहाँ से इसको ऐसा शेप देंगे। इसको और यहाँ से थोड़ा क्रॉस काट लेंगे। देखिए, हमने ये लोमोर की कटिंग कर लिया है। अभी मैं इसको सील कर बताऊंगी आपको। देखिए, हमने ये पैंट काट लिया है। अब इसको हम सीने जा रहे हैं। ये सिलने से पहले हम ये दोनों पैंचों को बीच में से जॉइंट कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। को भी हम इसी तरह सिलाई मार लेंगे। ब्लोमोर की सिलाई पक्की करने के लिए और एक सिलाई इसके ऊपर से अपन मार लेंगे। ये दोनों तरफ से ऐसे दाब टिप मार लेंगे, जिससे कि लोमोर की सिलाई ना उतरे। अभी हम पहले क्या करेंगे, पैंचे को नीचे से थोड़ा सा मोड़ लेंगे इलास्टिक लगाने के पहले।
दूसरे पैंचो को भी इसी तरह मोड़ लेंगे। देखो हमने दोनों पैंचों को नीचे से अच्छी तरह से मोड़ लिया है। अभी हम इसको प्लास्टिक लगाएंगे। देखिए हम अभी इलास्टिक कैसे लगाएंगे, इसको एक तरफ से पहले इधर फिक्स कर देंगे। देखिए हमने इसको एक तरफ लॉक कर दिया है। अब हम उसको यहाँ से सिलाई मारेंगे, फिर खींच के पूरी यहाँ से वहाँ तक हम उसको अच्छी तरह से सिलाई लेंगे, तो इसमें हमको चुन चुन आ जाएंगे पैंचे में। एक पैसे का इलास्टिक लगा लिया है, अभी दूसरे पैसे को लगाने जा रहे हैं, तो इसको हम पहले थोड़ा सा इलास्टिक को इधर लॉक कर लेंगे। इसके बाद हम इलास्टिक को ऐसे खींचते हुए यहाँ तक ले जाए। देखिए हमने ये दोनों पैंचों को इलास्टिक लगा लिया है, अभी हम ये दोनों पैंचों को जॉइंट करेंगे। ये दोनों पैंचे ज्वाइन करने के टाइम पर ध्यान रखेंगे कि ये अच्छी तरह से पक्का कर लेना है, नहीं तो इसकी सिलाई बच्चा पहनते जब छूट जाएंगे। इसलिए इसको दो तीन सिलाई मारना है। देखिए ये हमारे दोनों पैंचे इलास्टिक वाले बनकर तैयार हो गए। अभी हम इसको नेफे में इलास्टिक डालकर बताएंगे। अभी नेफा में इलास्टिक हम कैसे डालेंगे, अपने बच्चे की कमर देखेंगे कितनी है, वो हिसाब से अपन इसमें इलास्टिक डालकर नेफा बनाएंगे। ये इलास्टिक को हम पहले यहाँ से लॉक कर लेंगे ताकि वो छूटे ना। देखिए अब हम नेफे में इलास्टिक कैसे लगाते हैं, इसको पहले हम मोड़कर साइड से पहले एक पैंचे तक इसको सिलाई मार लेंगे ताकि अपना इलास्टिक अच्छा और खूबसूरत दिखे। देखिए हम कैसे इलास्टिक लगा ले रहे हैं, इसको इलास्टिक अंदर डाल के इसको हम ये पट्टी को ऐसे साइड से मोड़ लेंगे और इसकी सिलाई इलास्टिक पर नहीं आना चाहिए, साइड से इसको हम सिलाई मारेंगे।
देखिए हमने नेफे में भी इलास्टिक डाल के ये ब्लूमर तैयार कर लिया है। कभी भी ध्यान में रखें कि इसकी जो आसन है 10 से 11 रखना चाहिए ताकि बच्चे को पहनने में आसानी हो, इसलिए हमने इसकी आसन 10 से 11 रखना चाहिए। देखिए हमारा ये ब्लूमर आपको अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।